सबसे पहले तो आपसे कहूँगी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है एंड आई रियली लाइक दिस थॉट प्रोसेस. लेकिन यहाँ हमारी कहानी में ऐसा नहीं हो रहा है. यश हिमसेल्फ इज़ अ वेरी 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 गुड बॉय. ही इज़ अ जेंटलमैन एट हार्ट. वो लेडीज़ की रिस्पेक्ट करता है, उनसे प्यार करता है. और यहाँ यश बिल्कुल वैसा ही है. वो तो खुद बर्दाश्त भी नहीं कर सकता कि उसके सामने किसी के साथ बुरा हो. और रही बात अंजलि के लड्डू गोपाल से प्यार के लिए, तो उनके लिए उसका प्यार बहुत ही बच्चों के जैसा, फैमिली के जैसा प्यार है. लव, आई मीन दैट काइंड ऑफ लव इज़ नॉट द टेंजेंट हियर. जी बिल्कुल. एक्चुअली प्राची की एंट्री में तो मैं नहीं था, लेकिन मेरी फ़ोटो थी. लेकिन इनकी एंट्री में मैं खुद था वहाँ पे. और मैंने यमुना से जब बाहर निकल के आया था और ये वहीं थी. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग. यार सच बताऊँ, मथुरा वाज जितना मज़ा हमने किया उतना ही वहाँ हमने हार्डवर्क भी किया है, क्योंकि हमारा कॉल टाइम होता था सुबह 4 बजे. और रोज़ रात तक हम लोग शूट करते थे और सुबह 4 बजे वापस कॉल टाइम होता था विद हेयर मेकअप रेडी. तो बहुत मेहनत लगती थी. और 2:30 बजे भी उठे हैं रात को, करेक्ट, टू शूट. तो जब हम सीन देखते हैं तो लगता है यार इस दिन याद है तुझे, मेरे को भूख लग रही थी, यू नो, जिस दिन याद है आज ऐसा हो रहा था, आज वैसा हो रहा था, मैं चिढ़ा हुआ था. हाँ, तो और हम दोनों की एक बहुत ही एक्चुअली हम तीनों में ये चीज़ है कि हम जादू के जफ्फी में बहुत बिलीव करते हैं. तो हम में से किसी का भी मूड खराब होता है तो हम लोग जाके गले लगा लेते हैं. दैट्स वही, तो स्टेप बाय स्टेप देखने पड़ेंगे. देखो हम आपको मेन ट्विस्ट्स तो नहीं बता सकते, बट इतना बता सकते कि जैसे कहानी है कुंडली मिलन की वजह से जिंदगियों में क्या बदलाव आते हैं, तो वो विद एवरी एपिसोड यू विल गेट टू सी कि वो कहानी कैसे आगे बढ़ रही है, विच इज़ गोइंग टू बी समथिंग टू वॉच. अगर हम आपको बता देंगे तो आपका मज़ा मर जाएगा, और कुछ नहीं. हर रिश्ते का जो नाम है वो आपको कहीं ना कहीं असली भी लगेगा और कहीं कहीं मिटता हुआ भी दिखेगा. यश की माँ के साथ रिश्ता, यश का अंजलि के साथ रिश्ता, अंजलि का यश के साथ, सारे रिश्ते जो हैं जो अभी आपको दिख रहे हैं शायद वो सब बदल जाएंगे बहुत जल्दी. अब मिलेगा. एक्चुअली अभी तक तो देखा नहीं है, बट आई यू नो ऑनेस्टली फ्रेंड्स और फैमिली के कॉम्प्लीमेंट्स तो अपनी जगह हैं और बहुत मोटिवेट करते हैं, बट आई थिंक हम दोनों के लिए सबसे ज़्यादा मायने वो रखता है जब सर हमसे कहते हैं अच्छा लगा, तो हमें आई थिंक वेरी हैप्पी विद दैट. हाँ, हम उससे सबसे ज़्यादा चढ़ते हैं. यही कि जैसे आपने पहला एपिसोड अभी हम सब ने देखा, सब ने बहुत तालियाँ बजाई, सबको बहुत मज़ा आया. आप लोग घर पर बैठ के भी ऐसी ताली बजाओ, मज़े से शो देखो और बस ऐसे प्यार देते रहो अपना. बिल्कुल यार, थैंक यू सो मच बहुत प्यार देने के लिए. जितने भी हमने शोज़ किए उनमें आपने बहुत प्यार दिया है, तो इसको भी प्यार दीजिए. एंड कुछ भी आपको हमें पूछने का मन करे तो हमें DM करो, हम लोग गप्पे मारेंगे. थैंक यू.